वाईएम न्यूज एंड योजना हरियाणा यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आशा कामना करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, बेहतर होंगे। साथियों, हरियाणा सरकार धमाका, कब्जे की पंचायती जमीन वालों को बड़ी बम्पर खुशखबरी। हरियाणा सरकार धमाकेदार घोषणा, मालिकाना हक पंचायती कब्जे की जमीन पर इन सभी को दिया जाएगा, लेकिन इसके अंदर साल की एक कंडीशन प्रदेश सरकार लगाएगी। साथियों, इससे पहले सरकार ने इसकी एक बार और घोषणा की थी, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय ने उस पर स्टे दे दिया था, हमने उस समय भी रिपोर्टिंग किया था। तो आज फिर धमाकेदार ऐलान सरकार ने किया है, तो आज फिर आपको इसका रिपोर्टिंग करने का काम करेंगे। हरियाणा फैमिली आईडी हो, हरियाणा बीपीएल राशन कार्ड हो, हरियाणा व केंद्र सरकार की छोटी बड़ी योजना हो, हरियाणा व केंद्र का कुछ भी ऐसा हो जिसका लेना देना आपसे हो, जो आपके काम की खबर हो, सबसे पहले सबसे तेज सटीक व विश्वसनीय देते हैं। यदि आप मेरे साथ जुड़े हो तो आप ये नहीं कह सकते भाई मुझे पता नहीं चला ये योजना कब आई और कब चली गई, या तो आप मेरे साथ जुड़े नहीं या फिर मेरे को देखते नहीं। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप वाईएम योजना हरियाणा का लिंक मैंने दे दिया है, आप मेरे साथ वाईएम योजना हरियाणा टेलीग्राम ग्रुप पर जरूर जुड़े साथियों, वरना वाईएम योजना हरियाणा आप सर्च कर लेना, मेरा फोटो जिस ग्रुप में है आप उसमें जुड़ जाना है। तो दोस्तों, सबसे पहले इसको दिखा देते हैं, फिर दूसरे धमाके को दिखाएंगे। आज़ादी से पहले पंचायती जमीन पर काबिज लोगों को अब उस जमीन का जो है मालिकाना हक सरकार देने जा रही है। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने विधानसभा के अंदर यह ऐलान किया है, जो आज 1947 से पहले पहले जिस जो पंचायती जमीन पर जिसका भी कब्जा है और 1947 से उसका वो कब्जा चला आ रहा है, चाहे वो दुकानें हो, चाहे वो एकड़ हो, किले हो, या चाहे वो प्लॉट सरकार की हो, यदि 1947 से पहले उसका कब्जा उस पर है तो वो जमीन उसी के नाम होगी, उसको उसको मालिकाना हक दिया जाएगा। हरियाणा सरकार अपने राज्य में सरकारी व पंचायती भूमि पर, सरकारी जमीन हो या पंचायती जमीन हो, आज़ादी से पहले के कब्जाधारियों को जमीन का मालिकाना हक देने जा रही है। इसके लिए पॉलिसी बढ़ाई जाएगी ताकि लोगों को बेघर होने से बचाया जा सके। गुहला चीका से विधायक ईश्वर सिंह ने यह सवाल किया था, विधानसभा में यह सवाल सरकार के समक्ष उठाया था, और इस सवाल का जो जवाब था डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने दिया। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि ऐसी पॉलिसी हम इसको लेकर बना रहे हैं और बहुत जल्द इस पॉलिसी को लागू कर दिया जाएगा। इस पॉलिसी बनाने में कई तरीके की कानूनी अड़चन है, जिन्हें दूर करने की प्रक्रिया चल रही है। पहले भी पूर्व में भी सरकार पंचायतों की जमीन पर वर्षों से काबिज लोगों को एक बार मालिकाना हक देने का निर्णय कर चुकी है। अब इन्होंने 1947 का बोला है, पहले यह था कि कभी भी किसी ने कब्जा ही, चाहे 80 में कब्जाई, 99 में कब्जाई, 2000 में कब्जाई, कभी भी जिसने कब्जा रख के 20 साल से, 30 साल से, 10 साल से, तो वो जमीन उसी के मालिकाना हक उसका दिया जा रहा था, पंचायत या सरकारी। लेकिन हाईकोर्ट ने इस पर जो है हाईकोर्ट में केस डाल दिया, हाईकोर्ट ने इस पर स्टे दे दिया, तो अब सरकार इसमें 1947 की शर्त लगाएगी कि भाई जो 1947 से पहले पहले जिसका कब्जा था और वो आज भी चला रहा, तो उसी को उसका मालिक बना दिया जाएगा। लेकिन हाईकोर्ट ने सरकार के फैसले पर रोक लगा दी थी, अब जल्दबाजी सरकार जो है मैं कोई फैसला नहीं लिया जाएगा, अगर ऐसा करते हैं तो फिर से कोर्ट कचहरी के चक्कर में मामला उड़ा सकता है। बता दें कि आज़ादी से पहले गरीब लोगों को सरकार की ओर से जमीन दी गई थी जो कृषि योग्य नहीं थी, उस समय बंजर भूमि लोगों को मिलती थी, कई दशक से लोग इस जमीन पर रह रहे हैं। पट्टा अवधि खत्म होने के बाद सरकार ने नोटिस देकर उन्हें जमीन खाली कराने के आदेश दे दिए। विवाद बड़ा और विरोध हुआ तो सरकार ने पट्टा राशि में बढ़ोतरी कर नए सिरे से उन्हें जमीन अलॉट की, लेकिन अब फिर स्थिति उलझी हुई है। तो ऐसी बहुत बड़ी संख्या में ऐसी भी जमीनें तो उस समय 1947 में दी गई थी जो पाकिस्तान से आए या फिर बेघर हो गए, या फिर एक घर हिंदुओं का मुसलमानों के गांव में था तो उनको वो अपना गांव छोड़ के जो है वहां चला गया, सरकार ने जमीन दे दी, या फिर मुसलमानों का एक घर था, ऐसे बड़े संख्या में ऐसे लोगों को भी जमीनें दी गई थी और जो पाकिस्तान से आए उनको भी दिया गया था। किसानों से सरकार ने जो है पंचायतों के नाम 13,982 एकड़ जमीन पंचायत की किसानों ने कब्जा कर रखी थी, जो ऐसे ही कब्जा उन पर वो कर रखा था हाल ही में जिन पर कब्जे किए थे, तो ऐसे 14,000 एकड़ जमीन सरकार ने किसानों से वापिस ले ली है, उनसे जो उन्होंने अवैध कब्जा कर रखा था वो कब्जा हटवा दिया है। पंचायती जमीन पर वर्षों से काबिज लोगों को झटका, 19 जिले में 936 एकड़, 2 केनाल, 3 मरला जमीन की वापिस, तो ऐसे भी जो है इनसे भी वापिस लिए जा रहे हैं। ये 2 साल के अंदर है, जो 10 साल या 5 साल या 7 साल या 15 साल से
यूं ही सरकार की जो है 10-10 एकड़ जमीन पर कब्जा करके बैठे हैं, ऐसे लोगों से कब्जा हटवाया जा रहा है, जबकि जो 1947 से पहले थे उनको वो कब्जा का मालिकाना हक दिया जा रहा है। तो फिलहाल इतना ही, जैसे ही इस पर सरकार पॉलिसी बनाएगी आपको वो भी लेकर हाजिर रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।